सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ऐसा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर के वीडियोस के लिए वॉइस ओवर कैसे करते हैं। जी हाँ गाइस, फ्री फायर के सभी बंदे का एक सपना रहता है कि वो भी एक यूट्यूब चैनल बनाए एंड उसमें लाइव स्ट्रीम करे, वो भी बहुत बड़ा गेमिंग चैनल बनाए, उसमें ग्रो करे, अपना वीडियोस डाले। लेकिन गाइस, जो नए नए यूट्यूब चैनल बनाते हैं उनसे वॉइस ओवर करने में बड़ी दिक्कत होती है एंड वो लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो अगर गाइस आपको फ्री फायर के वीडियोस के लिए बेस्ट वॉइस ओवर करना है, बेस्ट अपने चैनल को ग्रो करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉइस ओवर इतना जरूरी क्यों रहता है। देखिए, फ्री फायर के काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो बिना वॉइस ओवर के भी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन गाइस फ्री फायर के चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए अभी के टाइम में वॉइस ओवर करना सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है। तो वॉइस ओवर करना अभी के टाइम में जरूरी इसलिए है गाइस, क्योंकि अभी के टाइम में फ्री फायर के वीडियोस या फ्री फायर के चैनल में गाइस इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि अगर आप बिना वॉइस ओवर के वीडियोस बनाते हो ना, तो काफ़ी बंदे तो इसी कारण से सब्सक्राइब नहीं करते कि कोई वॉइस ओवर रहता ही नहीं है। एंड गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिना वॉइस ओवर के वीडियोस डालोगे तो उसमें आप करोगे तो करोगे क्या, उसमें आप गेम प्ले डाल सकते हो एंड हेडशॉट मॉन्टेज डाल सकते हो, उसके बाद आप ज़्यादा कुछ बिना वॉइस ओवर में कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए बंदे उस टाइप के वीडियोस को ज़्यादा नहीं देखते। हालांकि कुछ पुराने क्रिएटर हैं जो बहुत पहले से वीडियोस डाल रहे हैं तो उनका चैनल ग्रो हो चुका है, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा स्पीड से ग्रो करना चाहते हैं, तो इसमें गाइस वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि हम वॉइस ओवर करें तो करें कैसे एंड करें तो किस में करें, मतलब कि फ़ोन में करें या फिर माइक खरीदे जो बुइया का आता है और भी बहुत सारे आते हैं, तो हम माइक में खरीदे या फिर ईयरफोन में वॉइस ओवर करें। तो अगर गाइस आप ये सभी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। अभी आपको दो मिनट में सभी का सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए गाइस, मेरी अगर बात करें, क्योंकि यार जो भी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, तो मेरी अगर बात करें गाइस, तो अभी ये वीडियो भी मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कि है रियलमी सी टू। एंड गाइस, उसका आपको पता ही होगा कितना कम प्राइस वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 10,000-15,000 वाला फोन में माइक अच्छा रहता है, तो सभी फोन में माइक अच्छा रहता है। एंड रही बात ईयरफोन यूज करने की, तो उसमें बिल्कुल भी ईयरफोन यूज मत करना, उसका माइक और भी बेकार रहता है। अपने फोन का माइक को यूज करो। एंड गाइस, जो माइक का रहता है ना, जो साइड रहता है जहां पर चार्जिंग पिन रहता है, उसी साइड अपने फोन को पकड़कर उसमें गाइस आपको वॉइस ओवर करना है। एंड अगर आप माइक खरीदने की सोच रहे हो, तो अभी कोई जरूरत नहीं है माइक खरीदने की। देखो मुझे देख लो, अभी तक तो मैंने माइक खरीदा भी नहीं है, जो भी मेरा वीडियोस है पूरे चैनल पे सभी अपने फोन से ही रिकॉर्ड किया। तो अगर गाइस आप एक अच्छे वॉइस के लिए माइक खरीदना चाह रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यार अभी इतना जल्दी मत खरीदो, क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कि वॉइस ओवर के लिए क्या जरूरी रहता है, तब तक गाइस आप वॉइस ओवर अच्छे से कर नहीं पाओगे। क्योंकि यार वॉइस ओवर में सबसे ज्यादा आपके साउंड की क्वालिटी रहती है, मतलब कि आपका माइक जरूरी नहीं रहता, आप जितना अच्छा से बोल पा रहे हो, जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। माइक को देख लो यार, 10,000 या 15,000 का खरीद दो, लेकिन जो बोल रहे हैं वो तो ऐसे ही बोलेंगे। तो आपको गाइस बता रहा हूँ, माइक अभी उतना जरूरी नहीं है, आप मोबाइल में करो, मोबाइल में बहुत अच्छा क्वालिटी आता है एंड उस साउंड को एडिट कर सकते हो। तब बात करते हैं भाई, किस किस टाइप से हम किस किस फ्री फायर के गेमिंग चैनल को अलग अलग तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करें। तो अभी गाइस हम बिना देरी के डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए यार, मेरे वीडियो को देख लो, मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ सबसे पहले, हेलो गाइस कैसे हो आप लोग। तो ये सभी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप ये भी बोल सकते हो, हेलो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस आपको ऐसे भी बोल सकते हो जैसे कि स्वागत है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर, एंड आप सिंपल से हाय करके ही बोल सकते हो। उसके बाद गाइस आपको क्या बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि भाई बात बात में इधर उधर घुमाते रहते हैं एंड जो मेन उनका मुद्दा रहता है ना, जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करते नहीं है, एंड जो जिस टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाया रहता है, जो टाइटल रहता है, उसको शुरुआत में बोलना जरूरी होता है। जैसे कि आप हाय हेलो बोले, कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, या फिर जो भी बोल रहे हो हेलो गाइस वेलकम वेलकम। तो देखिए, उसके बाद आपको अपने टाइटल को बोलना है, मतलब कि मान लीजिए आप कोई वीडियोस बना रहे हो जिसमें आपको वो प्रैंक प्रैंक कर रहे हो, तो वहां पर सबसे पहले बताना है कि प्रैंक किसके साथ कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली वीडियो बना रहे हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम को बोलो, जो प्रॉब्लम है एंड उसको किस किस तरीके से सॉल्व करने चाहते हो उसको बताओ, एंड जो जो प्रॉब्लम का डाउट रहता है, बंदे लोग का कई अलग अलग डाउट रहता है, तो वो सभी को शुरुआत में ही बोलो। उसके बाद बोलो कि चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं हर बार बोलता हूं। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो, काफी सारे बंदे ऐसे बोलते हैं, अगर नहीं भी बोलते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इतना बोलने के बाद भी समझ लो आपका कुछ एनिमेशन वगैरह डाल दो, या फिर आपका एक इंट्रो है ना, तो इंट्रो जरूर डाल दो। अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भाई इंट्रो जरूरी है, सब्सक्राइब करेंगे, तो यार ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख लो, आपका जो मन है वो कर लो, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर, उसके बाद मतलब इंट्रो हो जाएगा आपका, जो चलिए शुरू करते हैं कि बात क्या करना है, तो वहाँ पर आपका जो मतलब काम रहेगा मेन, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन रहेगा, उसको आपको लाइन के बाहर एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, काफ़ी सारे
बंदे भाई कुछ बोल नहीं पाते। तो देखिए शुरुआत में अगर अपनी बात करूँ तो यार मुझको भी जाकर मेरा पहला वॉइस ओवर वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपको सच में यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर उस टाइम को देखो, मैंने तो उसे एडिट भी नहीं किया था गाइस। तो यार सबका जो पहला वाला वॉइस ओवर रहता है ना, उस टाइम बंदे बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, क्या करें भाई क्या करें कैसे होगा, और मतलब डरते हैं यार कैसे वॉइस ओवर करें। अभी भी गाइस मेरे से उतना अच्छा वॉइस ओवर करते नहीं बनता। आप चाहो तो उस वीडियो को जरूर चेक करो एंड उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ। और अब मेरे वीडियोस को देख लो यार, मतलब मैं पहले के जो वीडियोस डालता था उसमें गाइस मैं गेम प्ले ज़्यादा डालता था, मतलब कि बिना वॉइस ओवर का मैंने करीबन 2-3 महीना ऐसे निकाला। उसके बाद जाकर बाद में बड़ी हिम्मत से गाइस उस टाइम वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया। तो यार देखो शुरुआत में अगर आप जल्दी से जल्दी वॉइस ओवर कर रहे हो ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत फ़ायदा आपके चैनल में देखने को मिलेगा। अगर आप लेट से कर रहे हो तो आपको थोड़ा कम फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी जल्दी कोशिश करो कि वॉइस ओवर जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। एंड गाइस रही बात वॉइस ओवर और अच्छे से कैसे करना है, तो देखो इसके लिए मैं कोई एकदम से थ्योरी तो नहीं बता सकता, ना ही कोई आर्टिकल बता सकता हूँ कि इस टाइप से आपको एकदम से लाइन के ऊपर वॉइस ओवर करना है। आपको जो भी मन में आ रहा है बस बोलते जाओ एंड कोशिश करो वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाने की, 3 मिनट से ऊपर बनाने की, और जितना ज़्यादा बड़ा बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वीडियो बड़ी बनाने की कोशिश करो एंड सच बता रहा हूँ गाइस आपका 3 वीडियो बनने के बाद ना चौथा वीडियो का जब वॉइस ओवर रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। और गाइस वॉइस ओवर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, जिससे गाइस आपका वॉइस ओवर और भी ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए वॉइस ओवर में आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी लोकेशन पर जा रहे हो, क्योंकि यार देखो कोई भी बंदा घर पे नहीं करता। शुरुआत में जो भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना सभी वॉइस ओवर बाहर से करते हैं, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं है घर में बता रहे हैं कि आज हम चैनल बनाएंगे कल वीडियोस डालेंगे। सब लोग मतलब जितने भी अभी तक के यूट्यूबर हैं ना शुरुआत में सब घर से बाहर ही बनाते हैं एंड एकदम मतलब छिपकर बनाना पड़ता है, क्योंकि यार किसी को बताने में मतलब दिक्कत होती है, कोई बताता नहीं है। क्योंकि यार जब वॉइस ओवर किसी दूसरे का अपने दोस्तों को दिखाओगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता बाद में, हालांकि जानते हैं तो ठीक लगता है। तो आप किसी ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर एकदम से मतलब बैकग्राउंड साउंड कुछ रहे नहीं, जैसे कि आप अगर गाँव एरिया में रहते हो तो गाँव एरिया में तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर खेत वेत जहाँ भी आपको जाना चाहते हो जंगल झाड़ी, तो वहाँ पर आप जाकर शांति से कहीं पर बैठ के आराम से वॉइस ओवर कर लेना। और गाइस अगर आप घर में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो देखो घर में इको बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि चारों तरफ से गूंजता है रूम में रहोगे तो घर में कोशिश करना मत बनाना बाहर जाके मतलब वॉइस ओवर करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड कहीं पर बैठ कर या फिर चलते चलते या खड़ा होकर भी एक तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हो। एंड ऐसे जगह पर जाना जहाँ पर लोगों का आना जाना रहे ना, क्योंकि यार वैसे जहाँ में आपको मतलब रहोगे ना वॉइस ओवर तब एकदम आपको अच्छे से लगेगा, एंड बाकी लोग कोई देखते रहेंगे ना घूर घूर के भाई कर क्या रहा है, तो मतलब बहुत गुस्सा लगता है यार क्या कर रहे हैं यार, देखो मतलब जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया और ये लोग मतलब वॉइस ओवर करके देख के बंदे क्या कर रहे हैं ऐसे सोच रहे हैं, तो यार इसमें मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी कभी कभी मतलब मैं वॉइस ओवर बाहर में ही करता हूँ, घर में तो करते नहीं बनता, तो बाहर में करता हूँ गाइस। तो वहाँ पर कभी कभी अचानक से 1 या 2 बार मुझे भी कई लोगों ने देख लिया था, तो वहाँ पर मुझे भी बहुत ही अजीब लग रहा था, तो मैं भी वहाँ पर से भाग गया। एंड गाइस मुझे भी बताते हुए बहुत हंसी आ रही है यार कि मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब उनका रिएक्शन जो रहता है ना कई लोग अचानक से देख लेते हैं, वैसे तो भाई मतलब किनारे में खड़े होकर कोई देखते नहीं है, दूर से ही देखते हैं क्या कर रहे हैं करके, तो आजकल के टाइम में सब चलता ही रहता है। तो आप गाइस किसी ऐसे जगह पर जाना जहाँ पर गाइस कोई लोग आ जाए मत, एकदम शांति से आप एकदम अच्छा फील करो जिससे वॉइस ओवर और भी अच्छा बने। एंड गाइस कोशिश करना दिन में कम से कम 1 या 2 वॉइस ओवर करो, और एक कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा से करो एंड डेली करने की कोशिश करना वॉइस ओवर। उसमें गाइस आपका जो है मतलब एक तरीके से रेगुलरिटी बने रहेगी ना, उससे आपको और भी अच्छे से बोलना आ जाएगा। और सच बता रहा हूँ एकदम ऐसे चुपचाप रहोगे ना तो वैसे में नहीं बन पाएगा, आपको वॉइस ओवर लगातार करना ही पड़ेगा। एंड गाइस आप सच बता रहा हूँ 1 हफ्ते में आपका वॉइस ओवर इतना अच्छा हो जाएगा सच में, आप सच में बोलोगे हाँ यार भाई सही बोल रहे थे। तो देखो आपको एक बार करने की देरी है, उसके बाद देखो कितना अच्छा हो जाएगा। और गाइस मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दो, इससे गाइस आपका जो बोलने का मतलब कई लोग चुप रहते हैं ना ज़्यादा बोलते नहीं है, तो यार आपका बोलने का भी एकदम मतलब टैलेंट टाइप का आ जाएगा। और ये टैलेंट को गाइस अपना यूट्यूब पर दिखाओ, वॉइस ओवर करके दिखाओ, तो गाइस वॉइस ओवर करना बहुत जरूरी है, जितना जल्दी हो सके वॉइस ओवर करो एंड अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करो। इस वीडियो का कुछ और भी पार्ट चाहिए जिसमें एकदम मतलब डिटेल से बताऊँ कि मैं कैसे वॉइस ओवर करता हूँ, या फिर इतना अच्छा से बड़े बड़े क्रिएटर लोग वॉइस ओवर कैसे कर लेते हैं, क्या क्या स्किल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई लोग वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो का लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो लेट्स भाई लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।